ब्यावर से मसूदा के बीच क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर भाजपा किसान मोर्चा की ओर से किए जा रहे आंदोलन के तहत अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विभाग की नींद उड़ाने के लिए विगत दिन मोर्चा के देहात जिलाध्यक्ष भंवरलाल बूला के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग ब्यावर में ढोल बजाकर अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क के चलते होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए शीघ्र ही उक्त सड़क का निर्माण करवाने की मांग की थी। लंबा समय बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने पर मंगलवार को मोर्चा की ओर से जिलाध्यक्ष भंवरलाल बूला के नेतृत्व में ब्यावर मसूदा मार्ग पर स्थित मथारा में रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपस्थित सभी ने अशोक गहलोत होश में आओ टूटी सड़कें सही कराओ, अशोक गहलोत शर्म करो तथा प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देश पर मसूदा तहसीलदार ओम सिंह लखावत मौके पर पहुंचे तथा आक्रोश प्रदर्शित कर रहे किसान मोर्चा पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए 26 नवंबर तक उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया, जिस पर मोर्चा पदाधिकारियों ने सहमति प्रकट करते हुए अवरुद्ध मार्ग को खोल दिया। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के खरवा मंडल अध्यक्ष जगदीश सिंह रावत, भग्गू सिंह रावत, गोपाल सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल थे। जिला अध्यक्ष बुला ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर के निर्देशन पर मौके पर पहुंचे मसूदा तहसीलदार के आश्वासन पर अवरुद्ध मार्ग को खोलकर आंदोलन को समाप्त किया गया है। बुला ने बताया कि अगर आश्वासन के अनुसार 26 नवंबर तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो किसान मोर्चा ग्रामीणों के साथ पुनः रास्ता जाम कर आंदोलन किया जाएगा। मालूम हो कि ब्यावर से मसूदा तक जाने वाले रास्ते की स्थिति विगत लंबे समय बेहद खराब है। उक्त मार्ग पर वाहन तो क्या पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भंवरलाल बूला विगत लंबे समय से उक्त मार्ग सहित मसूदा उपखंड के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले रास्तों की दयनीय स्थिति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज मसूदा विधानसभा की टूटी सड़कों को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध और प्रदर्शन किया गया। उस विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर और सरकार को खोटी खरी सुनाई। उसमें माननीय कलेक्टर साहब ने तहसीलदार जी को भेज के ग्रामीणों की समस्या का समाधान हेतु भेजा गया। भेजने के बाद में तहसीलदार जी ने 26 तारीख का आश्वासन देकर ग्रामीणों को राजी किया। उसके बाद आवागमन का काम चालू हुआ। 26 तारीख से पेचवर्क का काम चालू होगा, नहीं तो ग्रामीण वापस उसी स्थिति में जाके खड़े होंगे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी कर रोड पे उतरेंगे।